हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। ईद आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए आप लोग के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ मैं, सेवई की मिठाई। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये मिठाई है। एक बार आप अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करिए, और अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सेवई की मिठाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सेवई, जो यहाँ पे मैंने दो पैकेट ली है। एक पैकेट जो है वो 150 ग्राम की है, तो मैं यहाँ दो पैकेट ले रही हूँ, मतलब कि 300 ग्राम। और इसे मैं अच्छी तरीके से क्रश कर ले रही हूँ पैकेट के ऊपर से, और एक बाउल में निकाल लेंगे। जो थोड़ी बहुत बच गई है, जो अच्छे से क्रश नहीं हो पाई है, उसे भी हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आप भी क्रश कर लीजिए। बिल्कुल ऐसी कर लेनी है आपको, छोटे छोटे इसके पीसेस। फिर यहाँ पे एक पैन गरम कर लीजिए। पैन में मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच घी। अब घी को हम गरम कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। जैसे ही घी हमारा गरम हो जाएगा, हम इसमें क्रश की हुई सेवई डाल देंगे। अब सेवई को हम हल्की सुनहरी होने तक के लिए भूनते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। अभी मैं बिल्कुल धीमी आंच में इसे चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। घी में पहले अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे, ताकि एक एक सेवई में अच्छी तरीके से घी लग जाए। याद रखिए, बिल्कुल धीमी आंच में हम इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसी तरीके से भूनते रहेंगे, वरना ये नीचे लग सकती है। तो यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं आप, 4 से 5 मिनट के बाद का वीडियो है, जो हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसे कंटिन्यू भूनते रहेंगे 10 से 12 मिनट तक के लिए, ताकि ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 7 से 8 मिनट के बाद का वीडियो है, इसका कलर चेंज हो गया। और अब देखिए, इसके कलर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ये अच्छी तरीके से अब भुना चुकी है। 10 से 12 मिनट के बाद का ये वीडियो है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसे भुनना है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ बादाम चॉप किए हुए, मैंने एकदम बारीक चॉप करके इसमें बादाम डालने हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ पिस्ता, बिल्कुल चॉप किए हुए बारीक चॉप करके ही अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालिए जो भी आपको पसंद हो। और अब मैं डाल देती हूँ काजू 2 बड़े चम्मच, और इसके साथ में मैं डाल दूँगी नारियल का बुरादा, ये भी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच, जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। और इन सबको डालने के बाद मैं 1 मिनट में इसी तरीके से इसे भूनती रहूँगी और मिक्स भी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कंडेंस मिल्क, 1 कप डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, तो हमें इसमें चीनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। और कंडेंस मिल्क डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक एक सेवई में अच्छी तरीके से कंडेंस मिल्क लग जाए। अभी गैस जो है हमारा बिल्कुल लो फ्लेम में है, बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ। और अब मैंने गैस को बंद कर दी हूँ, क्योंकि हमारी सेवई जो है वो अच्छी तरीके से भुना चुकी है, जो कंडेंस मिल्क है वो भी अच्छी तरीके से मिल गया है। तो किसी भी कंटेनर में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, आप चाहे तो इसे प्लेट में भी कर सकते हैं, और इसे जल्दी से आप इस तरीके से फैला दीजिए। और याद रखिए, आपको साइड में थोड़ी सी जगह इसमें बचानी है, ताकि जब आप इसे कट करेंगे, कट करने के बाद में आप इसे ईजिली तरीके से निकाल लेंगे। और साथ में मैं इसमें लगा देती हूँ चांदी वर्क, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो लगाइए, वरना ज़रूरी नहीं है। और ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें चॉप किए हुए डाल देती हूँ, और अब हम इसे कट करना शुरू कर देंगे। जिस भी साइज़ की आपको इसे कट करना हो, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद में हम इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए इसी तरीके से फ़ैन के नीचे रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप इसे जो शेप में कट करना चाहते हैं, उन शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। और मैंने देखी, इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए पंखे के नीचे रख दी थी, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो बहुत ईजली तरीके से ये निकल के आ गई है। तो तैयार है हमारी सेवई की मिठाई। आप लोग इसे रक्षाबंधन में, ईद में ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।